हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिस्टी के टिवाड़िया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी टेस्टी दाल बताने वाली हूँ जिसे बच्चे तो पसंद करते ही, बड़े बूढ़े भी सभी पसंद करते हैं। तो आज की दाल का नाम है हमारा, बाद में बताऊंगी, पहले देख लीजिए कौन सी दाल है ये। ये देखिए, ये है काली उड़द, ठीक है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, काली उड़द बोलते हैं इसको, ये देखिए, ठीक है। और ये है हमारी राजमा, तो मैं एक ही टाइम के बना रही हूँ। तो देखिए, राजमा हम कम लेते हैं, उड़द हम थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। तो मान लीजिए आप एक टाइम का या दो टाइम का बना रहे हो, तो एक मुट्ठी ही राजमा उसमें डालना। तो मैं वॉश करके अपने कुकर में डाल के सिट्टी लगा लेती हूँ, जिसे बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी दाल को चढ़ा दिया है कुकर में, और आप इसमें लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग कितनी भी सीटी। मैं लगाऊंगी यहाँ पर 7 से 8 सीटी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सीटी लगने ही वाली है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो जब तक हमारी सीटी लगती है कुकर में, तब तक हम कुछ चॉपिंग कर लेते हैं, जैसे प्याज टमाटर ये सब हम कट करके रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम कुकर खोल के पहले देख लेंगे हमारी दाल गल गई है तो ठीक है, नहीं गली है तो 1-2 सीटी और लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कुकर का ढक्कन खोल लिया है और ये देखिए हमारी दाल जो है वो बिल्कुल पक चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अच्छे से हमारी दाल पक चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम होते ही हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। तो मैं जीरा डालती हूँ थोड़ा सा, 1/2 स्पून के करीब। इसको क्रैकल होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी ऑनियन, जिसको मैंने रफली चॉप किया है। इसके कलर चेंज होने तक हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं जलाना है हमको। ये देखिए, हल्का सा कलर चेंज होते ही मैं इसमें डालूंगी चॉप टोमेटोज। तो टोमेटोज जो है वो भी मैंने रफली कट किए हैं, ये देखिए। ये देखिए भाई, तो हम इनको हल्का सा सॉफ्ट होने तक, ऐसे ही बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इनको पका लेते हैं। ये देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल इसे अपने स्टाइल में बना रही हूँ, बाकी सब कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता। मैं अपने घर में कैसे बनाती हूँ वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, जो टमाटो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं हल्के हल्के से, और कलर भी उन्होंने अच्छा सारा दे दिया है। तो 1 स्पून भरकर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे अपना हींग डालेंगे। हींग डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी दाल आप बनाते हो तो हींग जो है उसमें एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर देता है। और आज की रेसिपी में मैं एक ऐसी चीज़ डालने वाली हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि ऐसे करके भी हम इसको डाल सकते हैं। तो पहले इसको भूनने देते हैं अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, अदरक लहसुन जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखिए, तेल जो है इन्होंने छोड़ दिया है। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें, ये देखिए, ग्रीन चिली। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये देखिए, ये अक्सर सभी के घर पे होता है जो हम इंडिया वाले हैं, ये है लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज। इनको हम फ्राई करके रख लेते हैं जब कुछ टेस्टी, जिसे मन करता है ना खाने का, जिसमें अलग सा फ्लेवर हो, तो ये वही है, इसको फ्राई करके रख लेते हैं। तो मैंने इसको कल फ्राई किया था, तो मैं डाल रही हूँ 1 स्पून भरकर इसको, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो 1 सेकंड के लिए इसको पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, और ऑयल जो है इसने अलग छोड़ दिया। तो अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून के करीब आपकी देगी मिर्च। देगी मिर्च सिर्फ कलर देती है, तो आप इसकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मुझे अच्छा सा कलर चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून के करीब गरम मसाला। 1/2 स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे अपना धनिया पाउडर, और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिर्च। तो हमने मिर्च पहले भी डाली है, इसलिए 1/2 से ज़रा सा कम ही डालेंगे। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जब हमने अपनी दाल को सीटी लगाई थी कुकर में डालकर, तो मैंने उस टाइम उसमें नमक डाला था, ठीक है। तो मैं आपको बताना भूल गई थी, नमक डालकर जब भी आप किसी भी दाल को सीटी लगवाओगे तो वो बहुत जल्दी पक जाती है, ठीक है। तो देखिए, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक
होती है और खाने में इसका बिल्कुल यूज होता है, अच्छा सा कलर देती है। तो हाफ स्पून से कम मैं इसमें डालने वाली हूँ हल्दी। ये देखिए इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हल्का सा वाटर ऐड करेंगे इसमें, लगभग 2 चम्मच के करीब, क्योंकि हमारे मसाले जो हैं उनको हमें इसमें पकाना है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है काफ़ी अच्छी सी बन चुकी है। आप चाहो तो इसमें जो टोमेटोस हैं आप उनको मिक्सी में पीस करके प्यूरी जिसे बोलते हैं वो भी डाल सकते हो, पेस्ट बनाकर डाल सकते हो। और आप चाहो तो इसमें अपना जो हमारा टोमेटो केचप जो होता है वो भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट जो है वो निखर कर आता है। तो देखिए मैं मसाला बिल्कुल आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मसाला जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, भुन गया है अच्छे से। तो इस टाइम पे अब हम इसमें अपनी दाल जो है वो ऐड कर देंगे। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में जाती हूँ, ज़्यादा बर्तन जो है ना अपनी किचन में वो नहीं करती हूँ, जो है बस उसी चीज़ से अपना फटाफट कर लेती हूँ। तो सारी दाल इसमें ऐड कर लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी दाल जो इसमें है ऐड कर दी है। उसके बाद हम हल्के हाथों से, क्योंकि मेरी दाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो मैंने दाल को बॉईल करते टाइम 1/2 स्पून इसमें नमक ऐड किया था, तो उसके बाद मैं 1/2 स्पून इसमें नमक और ऐड कर देती हूँ। हम थोड़ा सा मीडियम ही खाते हैं, तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, जिसको जैसा नमक चाहिए वो वैसा उसमें ऐड कर सकता है। तो जिस भी चीज़ में आपने अपनी दाल को बॉईल किया हो उसमें पानी डालकर और उस चीज़ को हिलाकर अपनी दाल में वो पानी ऐड कर दीजिए। तो मैंने जैसे कुकर में किया था, तो मैंने कुकर में पानी हिलाकर डाल दिया है और अपनी दाल में डाल दिया। देखिए हमारी जो मखनी दाल है आप उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा गाढ़ा भी बना सकते हो, थोड़ा सा उसको पतला भी बना सकते हो, ठीक है। तो हमारे घर में लगभग इतनी ऐसा होने चाहिए जब दाल पसंद की जाती है। तो मुझे इसमें एक अच्छा सा बॉईल लगाना है, तो थोड़ा सा 1/2 ग्लास के करीब या मान लीजिए 5-6 चम्मच पानी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ। जो हल्की सी कसर बाकी होगी इसमें वो अपना हो जाएगी। तो हम इसको ढकेंगे नहीं, ऐसे ही इसको पकाएंगे, क्योंकि हमारी दाल जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छे से गल चुकी है। तो मैं इसे पका लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ लास्ट में आप क्या करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम जो हमारी दाल है उबलने लगी है, तो देखिए इस टाइम पे मैं इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए तेज़पत्ता डाल रही हूँ, लौंग इलायची डाल रही हूँ, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आपका मन करता हो तो डाल देना, नहीं मन करता मत डालना। इस टाइम पे कोविड का जो चक्कर चल रहा है उसके चक्कर में हमें थोड़ा सा ये सारी जो गर्म मसाले होते हैं उनका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जब अपना पेस्ट डाला था उसमें मैंने अदरक लहसुन का ही नाम लिया था, क्योंकि हम इस टाइम पे भी, हम क्या पूरा वर्ल्ड, मैं बोलूँगी इंडिया नहीं बोलूँगी, पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे गर्म चीज़ों का सेवन कर रहा है और अदरक लहसुन तो जम के खा रहे हैं सब, काढ़ा बना के और गर्म गर्म चीज़ें सब खा रहे हैं, तो इसीलिए हमने डाला है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मखनी दाल है जो वो बनकर रेडी हो गई है। देखिए मेरे घर में ऐसी खाते हैं तो बिल्कुल मैंने ऐसी ही बनाई है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, फाइनल टच हम इसको देंगे। तो हम डालेंगे इसमें घर की बनी हुई क्रीम, सॉरी बनी हुई कह रही हूँ, घर की जो मलाई आती है, दूध जो हम लेते हैं उसके ऊपर जो हमारी मलाई आती है ना, ये वही है। देखिए इसी से मैं घी बनाती हूँ। घी की रेसिपी चैनल पर है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, देख लेना। तो 1 स्पून भरकर मैं इसमें डालूंगी अपनी क्रीम, जो इसकी करी को थिकनेस देगी, गाढ़ी बनाएगी, ठीक है। ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल लेना, नहीं मन करता है तो मत डालना। ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए हमारी टेस्टी सी गाढ़ी सी मखनी दाल बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। तो वीडियो को जमकर शेयर ज़रूर कर देना।